देखो बच्चों, आज हम आपको भाषा का एक पैराग्राफ की रीडिंग करा रहे हैं। पहले हम पढ़ के बता रहे हैं और सबसे पहले आपको सीखना चाहिए कठिन शब्द। इस पैराग्राफ में जो आएंगे वो कठिन शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे बच्चों, लक्ष्मी बाई। लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी बाई। अच्छा, इसे पढ़ेंगे पेशवा। पेशवा, 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 वो बना हुआ। इसको देखो बच्चे अटक जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। ये लिखा मणि, मणि, कर्णिका, कर्णिका। ये जो रा है वो यहाँ आएगा रा पे। कर्णिका, कर्णिका, मणि, मणि, कर, कर, निका, निका। ये फिल्म भी आई थी अभी, यही नाम था उसका, मणि कर निका। ये लिखा सामंत, सामंत। ये अंकी बिंदी लगी है, ये ना की आवाज दे रही है, सामंत, सामंत। ये लिखा शास्त्र, 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 शास्त्र। ये लिखा शस्त्र, शस्त्र। ये लिखा झांसी, झांसी। शास्त्र वो होते हैं जिसमें बड़ी किताब होती है, उसमें यानी पढ़ने के लिए होते हैं, किताबों को बोलते हैं शास्त्र। और शस्त्र बोलते हैं हथियार को, इसका अर्थ भी देख लो। शस्त्र माने क्या होता है? हथियार होता है, तलवार, भाला, जो भी होती है। शास्त्र होती है पढ़ाई, पढ़ाई के, पढ़ाई से रिलेटेड चीज होती है। तो ये समझ में आ गया क्या लिखा? मणिकर्णिका, नहीं मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। जिम्मेदारी घूम गई, बोलो बाटा। हाँ, आगे अब मैं पैराग्राफ पढ़वा रही हूँ, ध्यान से देखो। रानी, रानी, लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी बाई के बचपन, बचपन का नाम, का नाम मणि, मणि कर्णिका, कर्णिका था। हाँ। जब ये छोटी थी, बच्चा थी तुम्हारे तरह, तो इनका नाम मणि कर्णिका था, इनके माँ बाप ने ये नाम रखा था इनका। प्यार से, प्यार से उन्हें मनु कहते थे, मनु कहते थे। इतना बड़ा नाम नहीं ले पाते थे तो छोटा सा नाम रख दिया मनु। जैसे तुम्हारे यहाँ डॉग है, पप्पी रख दिया उसे नाम, डॉगी रख दिया, कोई पिल्ला कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसी तरीके से प्यार से उनका नाम मनु कहती थी उनकी माँ बाप। छोटा नाम, ये नाम अभी तुम्हारी जीभ लड़खड़ा रही, मणिकर्णिका है नाम इसका। बचपन में, आवाज नहीं आ रही है, ही मनु की, मनु की नॉर्मल आवाज निकालिए, मनु की, मनु की माँ, माँ गुजर गई, गुजर गई, गुजर गई मतलब यानी उनका देहांत हो चुका था। जब छोटी सी थी तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। आगे अर्थ भी बताता जा रहा हूँ, समझ जाओ। पिता उन्हें, पिता उन्हें अपने साथ, अपने साथ बाजीराव, बाजीराव पेशवा, पेशवा के दरबार में, दरबार में ले जाते थे, ले जाते थे। उनके पिताजी तो थे, माँ क्या क्या थी, मर गई थी वो। तो उनके पापा जो थे बाजीराव पेशवा, ये लिखा है, इनके दरबार में ले जाते थे, वो ले जाते थे। कौन? पिताजी। किसके? मणि कर्णिका की, कर्णिका की है। अच्छा, क्यों ले जाते थे? अब ये भी सुनो, तो घुमाने थोड़ी ले जाते थे, या झूला झूले जाते थे वो। हाँ, जहाँ वे सामंत थे, सामंत थे, वहां पर जॉब करते थे अपने राजा की, वहां ले जाते थे। मनु ने यहाँ शास्त्र शास्त्र और शस्त्र शस्त्र
ली, शिक्षा ली। मतलब दो शब्द आए हैं, एक आया शास्त्र और एक आया तुम्हारा शस्त्र। मतलब कि यहाँ पढ़ाई भी की इन्होंने और शस्त्र चलाने की, भाला तीर कमान ये सारी चीज चलाने की भी विद्या ली, मतलब सीखी वहां पर पढ़ाई की। जैसे तुम यह पढ़ रहे हो तो यह पढ़ाई करते हो, खेलना सीखते हो, कूदना भी सीखते हो, सब कुछ सीखते हो। इसी तरीके से वहां पर पढ़ाई भी की इन्होंने और हथियार चलाना भी सीखा, इसलिए ले जाते थे वहां पर, शिक्षा ली उन्होंने। बचपन से ही बहुत साहसी थी, मतलब हिम्मत वाली लेडीज थी, डरती नहीं थी किसी से, ये समझ लें आप। उनका विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ, मतलब कि उस टाइम झांसी के राजा थे उनके साथ उनकी शादी हो गई। विवाह के बाद उन्हें नाम मिला रानी लक्ष्मीबाई। मतलब शादी हो गई तो राजा ने, राजा की रानी बन गई वो, कौन बन गई राजा की रानी, तो उन्होंने नया नाम दे दिया रानी लक्ष्मी लक्ष्मीबाई नाम दे दिया उन्होंने। ये नाम से सूट रहेगा, अच्छा रहेगा। इनका किला भी बना, बहुत बड़ा किला है, बहुत सारे युद्ध लड़े इन्होंने अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते प्राण निछावर कर दिए अंग्रेजों को भगाने के लिए। अंग्रेज भी इनके किले पे यानी क्या करने आए थे, आक्रमण करने आए थे, इन्हें हराने आए थे, और इनसे कहा कि आप हथियार डाल दीजिए। इन्होंने हथियार डालने से साफ मना कर दिया, हिम्मत वाली थी, साहसी थी, इसलिए मना कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, मैं बगैर लड़े हथियार नहीं डालूंगी। और लड़ते लड़ते क्या हुई, ये वीर गति को प्राप्त हो गई, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। बच्चा तो उनका विवाह, हाँ, रानी लक्ष्मीबाई नाम रख दिया। कोई संतान ना होने पर, मतलब कोई बच्चा नहीं हुआ था इनके, कोई संतान मतलब बच्चा, कोई संतान ना होने पर, उन्होंने एक बालक गोद लिया, मतलब किसी का बच्चा था उन्होंने उसके लिए एडॉप्ट कर लिया और उसको पालने लगी, उसके लिए पाला था इन्होंने, कोई औलाद नहीं थी। हाँ, कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई। राजा जो उनके पति थे उनकी क्या हो गई, मृत्यु। और फिर ये इन्होंने कमान संभाल ली। बहुत बड़ा किला है इनका झांसी में, उत्तर प्रदेश में ही है, देखते रह जाओ, लोग घूमने जाते हैं वहां पर, देखने जाते हैं कैसे रहती थी रानी, कहाँ पर है इनका बेडरूम था, कहाँ पर यानी इनके घोड़े बनते थे, कहाँ इनके नौकर रहते थे, कहाँ इनका किचन था, सारी चीजें हैं, बहुत कुछ किला, उसमें देखना यूट्यूब पे सर्च कर मिलेगा आपको। हाँ, कठिन शब्द मैंने पढ़वा दिया आपको, सुनो, लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका सामंत शास्त्रो शस्त्रो झांसी। पहला प्रश्न, सबसे पहले खड़े हो जाए रोहित, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? रानी मणि, हाँ बोलो, मणिकर्णिका। हाँ, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम, इसका आंसर ये मणिकर्णिका। इसी में से मिलेंगे, ये पेपर में आएगा, सबसे पहले यही लिखा होगा, पैराग्राफ बच्चा चीन से लेके पास तक के बच्चों। रानी लक्ष्मीबाई की माँ कब गुजरी, कौन बताएगा? हाँ बोलो, बचपन में। खड़े होकर बोलते हैं, बचपन में। हाँ, कब यानी होते हैं बचपन में, बैठ जाइए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, रानी लक्ष्मीबाई की माँ कब गुजरी, वो गुजरी थी उनकी बचपन में, ये आंसर हो जाएगा। ये लिखा, बचपन में ही मनु की माँ गुजर गई। अच्छा, प्यार से उनके माता पिता क्या बुलाते थे? हाँ बताओ, बोलो,
मनु जवलनाथ थोड़ी है, क्या बोलते थे? मनु बोलते थे उसे, क्या बैठ जाए। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई को पिता कहाँ ले जाते थे? बोलो, बाजीराव पेशवा के दरबार में उनके पिता ले जाते थे। अब हम पूछे क्यों ले जाते थे, कौन बताएगा? हाँ बोलिए। वो अकेली जाती थी। नहीं नहीं, हाँ बोलो। उसके पिता काम करते थे, नौकरी करते थे। हाँ नहीं सदी में, हाँ शास्त्र और शस्त्र सिखाने के लिए ले जाते थे, माँ उनके शिक्षा के लिए ले जाते थे। उल्टा बोल रहे हो, वो कह रहे वो अकेली रहती थी, इतने उसके यानी जब नौकर चाकर होंगे उनके घर के। रानी का विवाह कहाँ के राजा से हुआ? बोलो रचना। झांसी के राजा के साथ। झांसी कहाँ लिखा? झांसी। थैंक यू वेरी मच।